हेलो दोस्तों, आलू तोरी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने तोरी और आलू छील कर ले लिया है। इसको लंबे लंबे में कट कर लेंगे इस तरह से। और प्याज मिर्ची लहसुन भी सारे कट करके हमने सब ले लिया है। और कढ़ाई में तेल डालेंगे और आलू डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो गए हैं, आलू को निकाल लेंगे अब। और इसी कढ़ाई में इसी तेल में हम तोरी भी फ्राई कर लेंगे। तोरी भी फ्राई हो गई, इसको भी निकाल लेंगे। अब इस कढ़ाई में तेल नहीं डालेंगे क्योंकि कढ़ाई में पहले से ही तेल उसमें सब्जी में है, तोरी और आलू में। तो इसमें हम डाल लेंगे राई और मेथी, और फिर डाल देंगे लहसुन, फिर हरी मिर्च, और फिर प्याज। इसको सुनहरा हो तक भूज लेंगे। और फिर इधर हम मसाला तैयार कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और पानी डालकर मिला लेंगे। और इसको इसी में डाल देंगे और फिर ये तोरी और आलू जो फ्राई करके डाले थे इसको भी इसी में डाल देंगे। अच्छे से इसको चला लेंगे। और ढककर पका लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जी बनी है और बहुत टेस्टी भी है। ना ज़्यादा मसाला, ना ज़्यादा कोई चीज़ लगा है इसमें। और आलू पक गई है, सब्जी हो गई। इसको थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे, चूरनी भूज जाएगी। और फिर इसको हमें बर्तन में निकाल लेंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें।